नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आइए कमाते यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ जहाँ पर कांटा तारों का निर्माण किया जाता है और फेंसिंग तारों का निर्माण किया जाता है। मेरे साथ है अजय जी, जो कि अपना 25,000 का जॉब छोड़कर लगभग 5 सालों से ये फैक्ट्री को चला रहे हैं और इस बिजनेस से लगभग दोस्तों 3 लाख रुपये तक की अर्निंग वो महीना कर रहे हैं। तो इस बिजनेस की जानकारी के लिए दोस्तों शुरू से लेकर इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरी पूरी फैक्ट्री है। पिछले 5 साल से मैं ये फैक्ट्री चला रहा हूँ। आप यहाँ पे सब मेरा रॉ मटेरियल माल देख सकते हो। ये उसको कांटा तार बोलते हैं इसको, और यहाँ पे कांटा तार वाली मशीन पूरी पड़ी हुई है। तो मैं आज इस मशीन में आपको पूरी जानकारी देता हूँ, इस मशीन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये मशीन गैल्वेनाइज वायर बनाती है, बारबेड वायर, जो कि आप देख सकते हो इस मशीन में यहाँ से जा रही है। और ये मशीन 1 घंटे में 100 किलो निकालती है। ये मशीन 3 फेज पावर से चलती है। आप देख सकते हो ये रॉ मटेरियल बड़ा है, उसको गैल्वेनाइज वायर बोलते हैं, ठीक है। ये वायर यहाँ पे कोयल लगी हुई है, एक कोयल में से वायर मशीन में जाता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांटे बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से पूरा बंडल बनता है, यहाँ से नीचे जाकर इधर बंडल पूरा बनता है। अभी हमारा ऑपरेटर आपको मशीन चालू करके दिखाएंगे। स्टार्ट कीजिए। जैसे आप देख सकते हो हमारा कांटा तार वाली फाइनल प्रोडक्ट निकल रही है बाहर, ठीक है। अभी हमारा वर्कर आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे। यहाँ से हमारा माल सब कुछ डिस्पेज होता है। दोस्तों, हमने पूरा प्रोडक्शन देख लिया है सर के फैक्ट्री का। सर, ये सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी। के सुधाकर जी, मैंने खेतों में, गांवों में, बहुत सारी जगह पे देखा फेंसिंग लगा के हुए, जैसे कि हाईवे पे है, सब जगह पे। तो मैंने कांटा वाली मशीन लगाई, फिर मैनुअल मशीन लगाई, तो सोचा कि उसका बिजनेस चालू किया जाए। अच्छा, तो इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? मेरी 25,000 की सैलरी की जॉब थी, वो मैंने छोड़कर, मैंने सोचा कि इसमें सब जगह पे इतना सेलिंग होता है, सब जगह पे इतना लगता है, तो मैंने सोचा कि इसका काम चालू करें धीरे धीरे। 25,000 की तो सैलरी थी, इतना बड़ा कारखाना शुरू किया है, तो इसके लिए पैसे
पैसे थोड़ा बहुत थे, फिर बैंकों ने सपोर्ट किया लोन की, तो इसमें लाइन में मेरे को बहुत सपोर्ट मिला बैंक तरफ से। यानी दोस्तों अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में बैंक से लोन मिल सकता है। तो सर यहाँ पे आपकी जो मशीन है काटो कितार, यहाँ कैमरामैन जरा आइए, तो सर इस मशीन की प्राइस कितनी है? जब आपने शुरू किया तो कितने में मिली थी आपकी मशीन? ये मशीन मेरे को 3 लाख रुपए में मिली थी, अभी ये मशीन की प्राइस 3 लाख रुपए है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इस मशीन की प्राइस है 3 लाख रुपए। और इसका जो रेडी माल है, जैसे कैमरामैन यहाँ भी दिखाइए, जो रेडी माल है अभी आप कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं उसका? हम यहाँ पे हार्डवेयर होलसेलर, जैसे कि सब जगह पे हमारा ऑनलाइन सब जगह पे हमारा माल जाता है। इसका डिमांड कैसा है अभी मार्केट में? अभी इसका मार्केट में बहुत डिमांड है, और अभी एक एलवे ने जो काटा वाली ताल वाली मशीन का वायर जो है हाँ। वो बहुत चलता है अभी मार्केट में। अब हमारे दर्शकों की काम की बात करते हैं सर, ये जो आपका जो कांटे वाले तार का जो बिजनेस है, इस बिजनेस से आप महीना लगभग कितनी कमाई कर लेते हैं? लगभग हम 50,000 के आसपास हम कमा लेते हैं। यानी लगभग दोस्तों अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको भी लगभग 50,000 रुपए की अर्निंग हो सकती है। दोस्तों इसके आगे की जो बड़ी वाली मशीन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये मशीन से देखो ये फेंसिंग जाली बनती है, और अभी ये जाली सब देखिए आप देख सकते हैं इधर रेडी सब पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सभी अभी डिस्पैच के लिए तैयार हो रहा है, और ये पूरा माल आप सब देख सकते हो पूरा फैक्ट्री पे। आप अभी इसका मार्केट में बहुत डिमांड है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले ये फेंसिंग जाली आती है। यहाँ पे विविंग होगा, यहाँ पे दोनों साइड का नकलिंग होगा, ठीक है, और आगे वहाँ पे रोल बनेगा, और हमारा फाइनल मटेरियल बनके ऐसे तैयार हो जाएंगे, रोल बनेंगे सब। ये रो मटेरियल है, उसको गैल्वेनाइज वायर बोलते हैं। ये मशीन भी 3 फेज से चलती है, चलो मैं आपको उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब बात करते हैं चैनलिंग फेंसिंग बिजनेस की। तो अब ये बताइए आपके पीछे जो मशीन दिख रही है, इस मशीन की प्राइस कितनी है, कितने में खरीदा था आपने? 13.5 लाख रुपए में। कहाँ से खरीदा था? यहाँ विरल इंडस्ट्रीज करके है अहमदाबाद से। अच्छा, उसके पास ले आया। अच्छा तो सर अब ये बताइए इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, अभी आप कहाँ से खरीदते हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर से खरीदते हैं हम। छत्तीसगढ़ से इसका रॉ मटेरियल दोस्तों आसानी से मिल जाता है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो सर इस बिजनेस से भी आपको कितनी कमाई हो रही है, और इसका डिमांड कैसा है, और इसको कहाँ बेचते हैं आप? फेंसिंग जाले की अभी डिमांड बहुत है, एक मंथ में 2.5 लाख से ज़्यादा हमको मिलता है फेंसिंग मशीन में से। ठीक है, पूरा प्रॉफिट निकाल कर बिजली खर्च मजदूरी खर्च अभी? हाँ, वो निकाल के हमको 2.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। यानी दोनों प्लांट से आप लगभग महीना 3 लाख रुपए की अर्निंग कर लेते हैं? कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप इसे बेचते कहाँ हैं जाली को? तो हम इसको बेचते हैं होलसेलर या कोई ऑनलाइन बेचते हैं।
हार्डवेयर है वहाँ पे सब जगह पे हमारा माल जाता है। यानी प्लॉटिंग की जिसको जरूरत है वहाँ पर भी सेल करते हैं, रोड पे हर जगह? हाँ, वो गवर्नमेंट को भी हम देते हैं। अच्छा, यानी दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, हार्डवेयर की शॉप पर सेल कर सकते हैं, होलसेल को सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकते हैं, हर जगह इसकी डिमांड अभी चल रही है। ओके, तो सर ये बताइए अभी आपके पास कितने मजदूर काम कर रहे हैं और जगह कितनी लगी आपको बिजनेस स्टार्ट करने में? हमारे पास अभी 10 मजदूर है सब मिला के, ठीक है, और हमारा एक बड़ा फैक्ट्री है। अच्छा, इस पूरा फैक्ट्री का अगर देखा जाए तो महीने का लगभग 3 लाख रुपए आपको पूरा मुनाफा मिलता है इतना? हाँ, मिल जाता है, मिल जाता है। कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको भी ये बिज़नेस शुरू करना है तो सर ने जो ये मशीनरी जहाँ से खरीदी थी, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है तो वीरल इंडस्ट्रीज का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए और कॉल करके इस बिज़नेस के संबंधी अधिक जान कर लीजिए कि हम इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मशीन आपको कैसे मिल सकती है, कितने रेट में मिलेगी, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप उस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।